हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन, और आपके रोजे भी उम्मीद है कि अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा, तो हमारा जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, अब उसका पहला टॉपिक हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेलेवेंट। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या मोशन है? एक कैटेगरी है, इसके अंदर स्पेसिफिक मोशन होती है बॉडी की, जिससे डायरेक्ट हम आगे से डिटेल से इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, वो उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, वो बाद में आपको बताऊंगा। उससे पहले अब एक बहुत सारी हमारे पास मोशंस की एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारी पहली मोशन की एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब आप ये साइड पर डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल कंडीशन है बॉडी की, ये आपकी आपका मैस है, ये स्प्रिंग है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से पड़ा हुआ है, कोई इस पर फोर्स नहीं हम लगा रहे, नॉर्मली है। अब जैसे ही उस मैस को खींच के थोड़ा एक्सटेंड करूँ इसको, तो एक्सटेंड करूंगा ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे आ गए, आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, तो ये एक्सटेंड करूंगा इसको, यहाँ पर मैं इसे क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इसे एक्सटेंड करूंगा ना, ये कोई डिस्टेंस मूव करेगा, क्या करेगा, डिस्टेंस मूव करेगा, जिसको हम यहाँ पे एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब इस वक्त क्या होगा, मैं इसको रिलीज कर दूंगा, तो वो मैस क्या होगा, वापस अपनी मिड पॉइंट पे, जो काफी दरमियान में लाइन नजर होगी, इस मिड पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अभी किसकी वजह से कर रही है, क्या मैं खुद उसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, नहीं, वो कौन है जो उसको इस मिड की तरफ लेके जा रही है, उससे कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को उसके मेन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। गॉट इट? अब यहां पे जो एफ आई, ये मेन फोर्स, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स है। अब ये बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मिड में चले जाएगी, जो जिसम यहाँ पर मिड, एक्चुअली किसको हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ मिड को हम मीन से डिनोट किया हुआ है, और ये जो बिल्कुल एंड कॉर्नर है ना, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब यहां से वो सेंटर की तरफ जाएगी, फिर देन क्या होगा, वो वहां जाकर रुक जाएगा, नहीं, बॉडी के पास अच्छी खासी स्पीड होगी, वो फौरन ही ब्रेक करेगा, वहां पर रुक नहीं जाएगा, वो क्या होगा, आगे चला जाएगा, फर्दर कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, लाइक दिस वन, वो इधर से इस तरफ जाएगा, और फिर देन इस दूसरे एंड पे चला जाएगा और स्प्रिंग को आकर कंप्रेस कर देगा। अब यहां पे वो इधर इनर्शिया की वजह से इधर से चला गया, अब इधर आके फिर दोबारा क्या होगा, अब उसके पास एक फिर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गई है, अब उसकी वजह से वो फोर्स अब वापस उसको उसके मीन की तरफ से उसको पुश करेगी। अब हम जरा इसकी तरफ फॉर्मूलास की तरफ चलते हैं, फॉर्मूलास क्या है, ये डेरिवेशन चलते हैं इसकी। अब हमारे पास ये F is equal to minus KX है, ये रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है, हुक्स लॉ ने इसको ड्राइव किया था। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ एक लॉ है जिसके बारे में ये है कि ये आप जितनी फोर्स बॉडी पे अप्लाई करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग बॉडी में एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको मैंने एक्स बताया था, ये उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक लिमिट के अंदर रहकर। इसने बताया कि F is equal to minus KX होता है, यहां से अगर मैं K को एक तरफ कर दूं, X इधर जाकर डिवाइड कर दूं, माइनस इधर आ जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, K is equal to minus F over X, ये आपका K का फॉर्मूला बन गया। बाय द वे इस इक्वेशन के अंदर ये टर्म्स देख लो, कौन कौन सी क्या है, F क्या है, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये X क्या है, जितनी आपने उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस की है, मीन पोजीशन से जितना वो आप उसको एक्सटेंड किया उस बॉडी को, वो हो गया। अब के क्या है, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, कि हर एक स्प्रिंग की अपनी अपनी वैल्यू होती है, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो स्टिफ स्प्रिंग्स होते हैं ना, उनकी के की वैल्यू लार्ज होती है, जबकि सॉफ्ट स्प्रिंग की या के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। अब जरा फर्दर डायरेक्शन चलते हैं, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब इस एम ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो एफ की जगह पे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, देन नाउ रीअरेंज इट,
हमने यहाँ से एक्सप्रेशन को अलग ड्राइव करना है, एक्स जो होगा वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये जो एक साथ एम है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, के साथ डिवाइड होगा, माइनस के उस तरफ ले जाएंगे। फिर हमने इक्वेशन को उल्ट भी कर दिया, वो लेफ्ट साइड राइट में लिख दी, राइट लेफ्ट में लिख दी हुई है, तो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी। लुक एट दिस, ए इज इक्वल टू क्या है, के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और के साथ एम आपके डिवाइड हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप गौर करो, ये के क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, एम क्या है, मैस ऑफ द बॉडी, क्या ये चेंज होगा, होगा बॉडी का, नहीं, बॉडी का मैस क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, ये भी कॉन्स्टेंट, तो आपका ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। अच्छा यहाँ पे ये सिंबल कुछ जगह पे कुछ और लिखा था, यहाँ पे सिंबल थोड़ा डिफरेंट है, उसका कोई इशू नहीं है, आपकी बुक में आप देखोगे आपका सिंबल थोड़ा सा अल्फा सा बना होता है, ए की तरह का बना होता है, वो थोड़ा सा साइन नॉर्मली ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है, जो इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन हम ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन की डैश टुवर्ड्स द मीन होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, अब जरा इसकी थोड़ी सी डिटेल पे चलते हैं, एनर्जी के हवाले से। आपका ये डायग्राम आपने देखी थी, ये आपकी मिड पॉइंट है, ये आपका एक्सट्रीम एक एंड, ये दूसरा एक्सट्रीम एंड, ठीक है। मीन पोजीशन जो होती है ना, वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, आप और एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जैसे कि आप देखो, आप स्प्रिंग को जब खींच के एंड पे लेकर चलते हो, एंड पे जब आप रखते हो वहां पे तो स्टॉप होता है ना, तो जब वहां पे स्टॉप है मतलब मोशन ही नहीं बॉडी की, जब बॉडी की वेलोसिटी नहीं है एंड पॉइंट्स के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, मोशन की वजह से, तो उसके अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होती है। जब वो बॉडी मूव करके टुवर्ड्स सेंटर जब जाती है तब उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होगी। और उसके दूसरे साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन में भी सेम वही केस, आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये था आपका स्प्रिंग के हवाले से सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल। अब नीचे आपके पास इधर फॉर्मूला है जो इसमें टाइम पीरियड का होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम आवर के। ये इस सिस्टम के अंदर जो टाइम पीरियड होता है इस बॉडी का, ये उससे रिलेवेंट एक फॉर्मूला है, जो कि जिसमें आपको बस ये फॉर्मूला पुट करना और आपको सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।